फाउंडेशन को फॉर इट्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन. आपका ये काम रहा है और आपने बहुत मेहनत की है और हम लोगों ने तरफ से देखा है. मेरा नाम प्रोफेसर शमीना उमर है. मैं ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी फोटोग्राफी वेस्ट बंगाल हायर एजुकेशन पार्षद हूँ एंड प्रोफेसर इन इंग्लिश. मगर आज यहाँ मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगी इन माई पर्सनल अनऑफिशियल कैपेसिटी एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर. आर्ट की अहमियत, आर्ट की अपॉर्चुनिटीज, आर्ट की जरूरतों के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, मगर सबसे पहली बात ये समझना है कि आर्ट इज नॉट एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आर्ट अपने करिकुलम में आपको शामिल करना है. अगर आपका स्कूल करे तो भी, अगर आपका स्कूल नहीं करे तो भी. आर्ट एंड स्पोर्ट्स ये वक्त आ गया है कि इनको को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर तबके से हटा के करिकुलर और डेवलपमेंटल एक्टिविटी समझा जाए. आप लोगों का और हम सबों का, अडल्ट, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, टीचर्स का आर्ट करना और करवाना बहुत जरूरी है. क्यों? सबसे पहले जब आप ड्रॉ करते हैं वो आपका एक्सप्रेशन होता है और ये एक्सप्रेशन सब में बराबर होता है. स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, हर इंसान अपने लेवल पे आर्ट करता है. आर्ट का कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया ऑफ एक्सलेंस नहीं है. जो मुझे पसंद आए वो मेरे लिए आर्ट है, जो किसी और को पसंद आए वो उसके लिए आर्ट है. तो आर्ट एक यूनिवर्सल लेवलिंग फैक्टर है जो बड़े छोटे की दूरी मिटा देता है और सिर्फ क्रिएटिविटी को अंदर से बाहर लाता है. सो ऑल ऑफ अस, लेट अस प्लेज एज गेस्ट्स हियर टुडे एज पेरेंट्स दैट वी मस्ट practice art ourselves and we must allow our children and our students to practice art. Number two, जब आप colors match करते हैं, जब आप shading करते हैं, तो आपके दिमाग के अलग अलग temporal lobes अपने आप को develop करते हैं. आप light and dark समझते हैं, आप outline and filling समझते हैं, आप contrast समझते हैं. आपके अंदर अवेयरनेस चलती है, दुनिया को आप एक नए नजरिए से देखते हैं. सो आर्ट माय फ्रेंड्स इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, स्पेशली एम्पावरिंग पीपल हु थिंक डिफरेंटली. देयर आर फोर मोड्स ऑफ लर्निंग: विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड काइनेस्थेटिक. एंड आई हैव रिस्पेक्टेड टीचर्स सिटिंग हियर, अभी आंटी या सलमा आंटी और अदर्स टीचर्स विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो हर क्लास में उन्होंने किया होगा. विजुअल कुछ बच्चे देख के समझते हैं जल्दी, कुछ सुन के समझते हैं, कुछ पढ़ के समझते हैं, कुछ करके समझते हैं. सो विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड काइनेस्थेटिक, ये सब कंबाइन होके आता है आर्ट. सो आर्ट इज अ मीडियम ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट. आर्ट आपको कुछ ह्यूमन क्वालिटीज दिलाता है. Patience. You have to wait for the painting to finish. You have to wait for the colors to dry up. Coordination, hand-eye coordination, reflexes, quick thinking. किस कलर को किसके साथ contrast करना है, किस कलर को किसके साथ match करना, कौन सी shading dark, कौन सी shading light. Hand-eye coordination. Next, reflexes. ये outline खराब हो गया, जल्दी से इसको rub करना है, इसको पहले के पकड़ लो. And finally, जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर खुदाई देन है. इट इज ओरिजिनल, सब कुछ पढ़ा और पढ़ाया जा सकता है, क्रिएटिविटी नहीं सिखाई जा सकती है. वो मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ तरीकों से उभर के आएगी. और आज की दुनिया डाइवर्सिटी की दुनिया है, प्लूरैलिटी की दुनिया है, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन की दुनिया है, सिर्फ कंपटीशन और खुदसरी की दुनिया नहीं है. इसलिए आर्ट के इम्पैक्ट को पहचाने, आर्ट के लाइफ चेंजिंग इन्फ्लुएंस को पहचाने, हमारे आर्ट के कॉज में जो इंटेलेक्चुअल्स जुड़े हैं,
together and support them financially, morally, physically, mentally and with social solidarity जो आज के जमाने में सबसे बड़ी जरूरत है. Let us unite through art for art. बहुत बड़ी कहावत है इंग्लिश में, art for art's sake. Let us promote art for art's sake.